तो तीसरा T20I मुकाबला इंग्लैंड टीम ने जैसे पहले जीता था 8 विकेट से, वैसा तीसरा मैच भी 8 विकेट से जीता है। क्या थे सही डिसीजंस जो मैदान पर देखने को मिले, उस पर हम गौर से नजर डालेंगे। आप देख रहे हैं ESPN क्रिक इन्फो, सही है डिसीजंस पावर्ड बाय म्यूचुअल फंड सही है। हमारी मदद कर रहे हैं गौतम गंभीर। गौतम, पहला सही डिसीजन तो ये है कि इंग्लैंड ने टॉस जीता, वो नहीं है सही डिसीजन, लेकिन टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करी, मुझे ऐसा लग रहा है अगर ये नहीं करते तो वो गलत डिसीजन जरूर होता, ये तो ऑब्वियस डिसीजन था। देखिए, जब आप T20 क्रिकेट खेलते हैं और आपके पास इतना एक्सप्लोसिव बैटिंग लाइनअप होता है तो आप चेस करना ही पसंद करते हैं। आप भारतीय टीम को देख लीजिए, वो भी चेस करना पसंद करते हैं। आप वेस्ट इंडीज को देख लीजिए, वो भी चेस करना पसंद करते हैं। तो ये नया ट्रेंड है, मैक्सिमम टीम्स को आप ये देखेंगे कि चेस करते हुए T20 क्रिकेट में, क्योंकि टारगेट आपके सामने हो तो आप अपनी इनिंग को बेहतर प्लान कर सकते हैं और जो भी पहले बॉलिंग डालेगा उसको हमेशा एज है। दूसरी चीज जो इंग्लैंड ने सही करी वो आर्चर और वुड ने जिस तरह से अटैक किया भारतीय बल्लेबाजों को पावर प्ले में। क्या पिछले मैच में आर्चर को वुड की कमी खली थी, क्योंकि वो तो अटैक कर रहे थे लेकिन एक जो दूसरे एंड से सपोर्ट मिलता वो नहीं मिला, इस बार वैसा ही देखने को मिला। अगर आप दोनों एंड से अटैक करेंगे तो काफी मुश्किलें आ जाती हैं। देखिए, वर्ल्ड में बहुत कम ऐसी टीम्स हैं जिनके पास दो गेंदबाज हैं जो 145 से ऊपर की गेंदबाजी कर सकते हैं, प्लस उसके साथ ही अगर आप विकेट आज देखें, आज का विकेट दूसरे मैच के विकेट से बिल्कुल अलग था। आज बाउंस था, आज पेस था, और जब आप ऐसे गेंदबाजों को पेस और बाउंस हो गया और इकट्ठे बल्ले गेंदबाजी करने को का मौका देंगे तो फिर किसी भी टीम को वो ट्रबल में डाल सकते हैं। आप देख रहे थे ESPN क्रिक इन्फो, सही है डिसीजंस पावर्ड बाय म्यूचुअल फंड सही है।